हिम्मत वाला कि मैं इस धरती नूं, मेरी जन्म भूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है, इसे शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज चो सुनाम चो मैं सिख्या ली और इत ही मेरा जन्म होया, सुनाम का जन्म है। सो इनकलाबी लोगों की धरती है, शायरां की धरती है, राइटरां की धरती है, कलाकारां की धरती है। तो अज उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करना आया। मैं याद है कि शाम को एक प्रोग्राम होया करता सीगा, कल्चरल प्रोग्राम। मैं अपने पिता जी नाल बहुत बारी पिंडों स्तौज तो वह प्रोग्राम देखने भी आया करता सी। भगत सिंह अपने आप च एक इनसाइक्लोपीडिया सी। महज 23 साल की उम्र फांसी के रस्से चूमे, 17 साल, 17.5 साल की उम्र च घरों निकले और किस तरह और किड्डे वड्डे अंपायर नाल मत्था लाया, जिन्होंने 200 साल पता ही नहीं किन्नियां फांसियां दित्तियां, पन्ने पता ही नहीं किन्ने तसीहे ते, पता ही नहीं किन्ने काले पानी भेजे। तो जे उन्हां प्रति आपां नरम रहांगे तो अपने शहीदां नूं जिहड़ा अपमानित करांगे तो यह तो शर्मनाक गल नहीं हो सकती। बहुत सारा विदेशां दे विच पए, उन्हां नूं लिआउण दे लई पंजाब सरकार की उद्यम कर। बिल्कुल, जो भी यादगारां पईआं ने शहीद दीआं असीं लैके आवांगे। इस तों पहलां भी लिआउंदी रहीआं ने सरकारां, सेंटर सरकार नाल असीं जिहड़ा संपर्क करके सिंह जी होरां दे कोई किताबां जां कि उन्हां दे जिहड़े खालसा कॉलेज दे समान पिआ कहिंदे असीं गल करांगे, असीं लैके आवांगे। और मैं किंगस्टन हॉल च आप खुद गया सी, मैं उन्हां पौड़ियां नूं मत्था टेकिआ सीगा। शहीद ऊधम सिंह जी होरां दे पुत्त जिहड़े ने ते जिहड़े इंडिया दे बेस्ट जिहड़े बुत घाड़े ने उन्हां नूं बुलावांगे, क्योंकि ये यादां जिहड़ियां ये सिर्फ अपने जीवन काल तक नहीं, ये तो आने वाले 1000 साल बाद भी लोग इतने सजदा करन। जिन्होंने शहीदां दी सोच नूं, जिन्होंने शहीदां दे यादगारां नूं, जिन्होंने शहीदां दे स्मारकां दी सांभ संभाल नहीं की, तो लोगों ने उन्हां दी भी नहीं की ना, वो घरे बिठाते असीं करांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।